जय श्री कृष्णा जय श्री राधे हमारे सनातन धर्म में जो अनुपम खजाने हैं उस खजाने का मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आज बता रहा हूँ वह है महालक्ष्मी व्रत विधान या ये कह सकते हैं कि अचूक लक्ष्मी प्राप्ति का व्रत विधान तीसरा इसका नाम है दिव्य लक्ष्मी प्राप्ति का सुनिश्चित विधान ये लक्ष्मी के विधान हमेशा अन्य पर्वों पर भी आते रहते किंतु कुछ पर्व ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भाद्रपद शुक्ला अष्टमी जिस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है ऐसा हमारी पौराणिक मान्यता है उसी दिन माता राधा हमारी भगवान कृष्ण के आल्लादनी शक्ति उनका भी जन्म हुआ है यह हमारे शास्त्रों में पूर्ण प्रमाणिक है लक्ष्मी भी स्वयं लक्ष्मी हैं और राधा भी लक्ष्मी के अवतार हैं कृष्ण के हैं ये सर्वविदित है तो भाद्रपद शुक्ला ये तिथि शुरू होती है हमारी इस बार तीन सितंबर सन 2022 को ये महालक्ष्मी का पूर्ण व्रत विधान आरम्भ होता है और इस व्रत के विधान को करने से इसके तीन व्रत के विधान कहे गए हैं पहला होता है एक दिवसीय यानी उस दिन आप आ, माता लक्ष्मी की सोलोशोपचार से पूजा करें और सोलोशोपचार का अर्थ होता है कि अपने चौकी पर माता लक्ष्मी के सोलह श्रृंगार रखें साड़ी ब्लाउज आपका चूड़ी बिंदी जो सभी महिलाएं आप जानती हैं सोलह श्रृंगार से लक्ष्मी जी का चित्र रखें भगवान नारायण का भी साथ में रखें पूजा करें उस समय एक समय भोजन करें उस भोजन में खीर का भोजन जरूर करें और खीर में कोई केसर ना डालें केवल चीनी चावल दूध डले हों अन्य मेवा वगैरह भी इसमें ना डालें और उस व्रत को विधान करने से आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत इतनी होगी जो आप कल्पना से भी परे। दूसरा विधान हमारे शास्त्रों में का त्रिदेवासी है यानी तीन तारीख चार तारीख और पाँच तारीख को तीनों दिन नियमित पूजा करें तीनों दिन एक समय पर भोजन करें और एक समय पर भोजन जो घर में बनता है उसमें खीर का सेवन जरूर करें इसके अलावा आप अपने रोज़ के दिनचर्या में फल ले सकते हो दूध ले सकते हो साबूदाने आदि की खिचड़ी जो अन्न के अलावा है वो भी ले सकते हो फलारी नमक भी ले सकते हो दुग्ध का पान भी कर सकते हो जो जो अपनी फलाहार के विधान हैं वो ले सकते हैं ये प्रथम विधान है ये मध्यम विधान है और सर्वोत्तम विधान होता है जो कि 16 दिवसीय है इस बार का कभी कभी तिथियों की कमी ज़्यादा होने के कारण इस सोलह दिन के व्रत विधान में कभी कभी एक दिन का व्रत विधान कम या ज्यादा हो जाया करता है तो इस विधान के अनुसार ये हमारा व्रत यानी कि शुरू हो रहा है तीन सितंबर को और समापन होगा अठारह तारीख को तीन सितंबर शनिवार है और अठारह सितंबर को रविवार है ये सोलह दिवसीय है सोलह दिवसीय का होता है कि जैसे चंद्रमा की सोलह कलाएं होती हैं एक एक कला प्रतिदिन बढ़ती है उसी क्रम उसी विधान में ये विधान में आपको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया भाद्रपद पर अष्टमी माँ लक्ष्मी की जयंती के दिवस पर आप चौकी स्थापित करेंगे घी का दीपक जलाएंगे चामुंडा देवी धनम देही, देही स्वाहा इस मंत्र का जाप करेंगे देवियाओं के लिए ज्यादा प्रभावी है पुरुष भी समान अधिकार रखते हैं या महालक्ष्मी च विदमहे च चीमही तन्नो लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रचोदयात तीसरा विधान इसके अलावा आप गोपाल सहस्त्रनाम एवं श्री सूक्तम हिरण्य वर्णाम हरणिम जो सर्व विदित मंत्र है ऋग्वेदोक्त हमारे सोलह मंत्र हैं इन सोल मंत्रों का जाप करें अगर आप कहते हो कि महाराज श्री हम संस्कृत में हमें ज्ञान नहीं है तो किसी विद्वान से कराएं आजकल सुविधा इतनी है कि आप गूगल पर सर्च करके किसी भी विद्वान मूर्ति के द्वारा जो शुद्ध उच्चारण हो वो पाठ लगा दें और साथ में आप भी किताब को लेकर अनुसरण करते रहें सोलह दिन जब ये व्रत करोगे अपने पिछले कई वर्षों का विधान देख लेना और अपना जो आर टी आर है आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है आई टी आर उसको चेक कर लेना और फिर मुझे बताना आने नेवाली साल में कि आपके आई टी आर में कितना अंतर आया अर्थात हंड्रेड वन परसेंट आपको इजाफा होगा लेकिन भाई और बहनों इस विधान का मतलब ये भी मत समझ लेना कि हमने माँ लक्ष्मी जी को पासना कर ली है अब कुछ कर्म करने की ज़रूरत नहीं है मैं मेरे हर विधानों में बताता हूँ मैं योगी हूँ प्रकृति प्रेमी हूँ शास्त्रों का अध्ययन गुरु आज्ञा से किया हुआ है शास्त्रों का मैं ज्ञाता हूँ अतएव इन सब का निचोड़ यह है कि कर्म योग सबसे बड़ा योग है अपनी जगह पर तुम विधान करते रहो और कर्म को डट के करो पूर्वक करो समझदारी पूर्वक करो सफलता आपके हाथ में लगेगी हमें असफलता मिलती है और कर्म करते रहते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन की या नकारात्मक ऊर्जा के हम शिकार हो जाते हैं इन व्रत विधानों से इन सब चीज़ों से परे रहेंगे जीवन में वो अभूतपूर्व शांति होगी जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा तो जो मैं बता रहा था विधान इस विधान का एक मुख्य बिंदु बताते हुए बीच में मैं चाहूँगा ये दुर्लभ वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाएँ लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स भी जरूर आप लिखें यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लिखें इसके अलावा इसको ज़्यादा ज़्यादा प्रचार प्रसार में सहयोग दें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोलह दिवस यानी जब आप तीन तारीख से गिनेंगे तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और आपका ये केवल रह जाते हैं इस बार पंद्रह दिन तो पंद्रह दिन में सोलह दिन की जगह पंद्रह और सत्रह अठारह तो हमारे सोलह दिन पूरे होने में क्यों एक तिथि कम हो जाती है कभी कभी तो कभी सोलह होते हैं कभी पंद्रह होते हैं तो एक सुहाग का सामान नित्य प्रति माता को चढ़ाएं पहले दिन साड़ी चढ़ा दें दूसरे दिन चूड़ियाँ चढ़ाएँ तीसरे दिन बिंदी चढ़ाएँ चौथे दिन जो आपकी समर्थ है तो चुटकी आदि चढ़ा दें पाँचवें दिन अपना मेहंदी चढ़ाएँ चौपा और सातवें दिन सुहाग सिंदूर चढ़ाएँ इस तरह से अपनी सुविधा से कोई भी चीज़ उस चौकी पर रखते जाएँ जो सोलह दिन पूरे हो जाए तो अपने घर की किसी बहन बेटी को जो सौभाग्यवती हो पूजा करने के बाद या किसी ब्राह्मणी को हवन करने के बाद पूर्णावती करने के बाद वो दान में दे दें अब इसमें तीसरा विधान एक विशेष और है कि श्री सूक्तम का या महालक्ष्मी च विष्णु पत्नी च धीम तन्नो लक्ष्मी परिचोदयात इस मंत्र का नित्य प्रति आप पर हवन करें सूक्ष्म हवन एक आँच का अंगारा बना लें गोबर के करने पर खाली घी से आउती सोले डाल दें या जितनी आपकी समय की उपलब्धता है उतनी डाल दें और लास्ट वाले दिन समापन वाले दिन एक सौभाग्यवती स्त्री पुरुष दोनों को आमंत्रण करके विधिवत उन्हें भोजन करा के पुरुष को पांच वस्त्र आ, मर्दाने और हमारी जो देवी आएंगे उनको भगवान पर चढ़ाया हुआ पूरा सोलह श्रृंगार सामान दक्षिणादि प्रदान कर दें फिर देखोगे आपके जीवन में देखते देखते जो रुके हुए काम बढ़ने लगेंगे और जो वर्तमान कार्य हैं वो दौड़ने लगेंगे नए कामों की शुरुआत होगी जीवन में नाना प्रकार की खुशियाँ नाना प्रकार की सफलता हमारे जीवन में मिलेगी फिर आपको हम हाजिर होते रहेंगे समय समय पर नए नए विधानों को लेकर के जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे